हेलो, मेरा नाम है विश्वास और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी क्लास में चिंटू की कहानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चिंटू की कहानी में जो चिंटू है वो बहुत उदास रहता है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, ना खेलता ना कूदता है। और ये सब करने की वजह है उसके घर में आने वाला गंदा पानी। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। और हमने क्लास में एक कहानी रखी चिंटू की और हमने बच्चों से जानने की कोशिश की कि चलिए आप बताइए कि आप किस किस तरीके से चिंटू की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों ने कुछ कुछ अपने रिस्पॉन्सेस दिए, जो रिस्पॉन्सेस मैं आपको आज पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहला रिस्पॉन्सेस है प्रीति का। प्रीति ने लिखा है, अगर वो किराए के मकान में रहता होगा तो हम उसके मकान मालिक से शिकायत करेंगे, नहीं तो अगर उसका मकान अपना होगा तो हम वहां पर जो पानी सप्लायर करता है उन्हें जाके शिकायत करेंगे। ये प्रीति का पहला रिस्पॉन्स है। चलिए मैं उसका दूसरा रिस्पॉन्स पढ़ के सुनाता हूँ। हम मोहल्ले वाले मिलकर चिंटू की सहायता करेंगे। प्रीति कहती है कि वो सारे मोहल्ले वाले मिलकर चिंटू की किसी न किसी तरीके से सहायता करेंगे। तीसरा रिस्पॉन्स है प्रीति का, हम प्लम्बर को बुलवा कर चेक करवाएंगे कि कहीं उनके घर में पाइपलाइन या मोटर में कुछ परेशानी तो नहीं। प्रीति का चौथा रिस्पॉन्स है, और जब तक आप उन्हें लिखा है, और जब तक उनकी पानी की समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक मैं अपने घर से उन्हें पानी की सहायता करूंगी। तो ये थे प्रीति के चार रिस्पॉन्सेस। प्रीति ने बताया है कि वो इन चार तरीकों से चिंटू की मदद कर सकती है।